नशा तस्करों पर नकेल की कार्रवाई के दावे को नशा तस्कर गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि उनके रसूख के आगे पुलिस कुछ नहीं कर सकती। श्रीगंगानगर के कुख्यात तस्कर बिल्ला को भी यही भ्रम था, जो सोमवार को दूर हो गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हवा हो गए वे दिन जब नशे के काले कारोबार से जुड़े लोग हलफूल रहे थे, अनाप शनाप कमाई से अपनी तिजोरी भर रहे थे। अब पाप से जोड़े गए उनके ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। जी हाँ, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही नशे के काले कारोबार से जुड़े लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। न सिर्फ उन्हें दबोचकर सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है, बल्कि उनकी संपत्तियों को तोड़ा भी जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को श्रीगंगानगर में नशा तस्कर आकाश उर्फ बिल्ला की अवैध संपत्ति पर पुलिस ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। एक आकाश उर्फ बिल्ला नाम का एक तस्कर है, जिसके खिलाफ करीब 3 मुकदमे दर्ज है। ये साल में भी मुकदमा है। तो उसने SSB रोड पे एक मकान बना रखा है, एक करीब 1 करोड़ कीमत की एक कमर्शियल स्पेस में उसने कमरा बना के वहाँ पे वो लोगों को बिठा के नशा पिलाता है। दरअसल नशे की तस्करों से जुड़े लोगों के खिलाफ सूबे की पुलिस ने मुहिम छेड़ रखी। इसके लिए पुलिस ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिस पर आम लोग नशे के कारोबारियों की शिकायत कर सकते हैं, जिसे गोपनीय रखा जाता है। इसी पर किसी ने बिल्ला की शिकायत कर दी। जांच में शिकायत सही पाई गई। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के तस्कर बिल्ला की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवा कर उसे जमीन दोस्त कर दिया। COCT बी आदित्यनाथ के मुताबिक जवाहर नगर थाना क्षेत्र के छछगरिया मोहल्ले में बिल्ला ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमा कर उस पर एक कमरा जोड़ लिया था। इसी में वो मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त करता था, नशेड़ियों का अड्डा जमाता था। सर के निर्देश अनुसार हमने नगर परिषद से बात करके ये जो एंक्रोचमेंट उन्होंने किया है, इसको तोड़ना आज हुआ है, और ऐसी कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात किया गया था, लेकिन किसी किस्म का कोई विरोध नहीं हुआ। पुलिस ने जिले में पनप रहे नशा तस्करों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। News 18 राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। थ्योरी रटकर एग्जाम में अच्छे नंबर भले ही प्राप्त कर लिए जाएं, लेकिन विषय की पूरी जानकारी नहीं जुटाई जा सकती। कमोबेश यही बात संविधान के बारे में भी कही जा सकती है, लेकिन अब देश के संविधान बनने की कहानी आप मार्बल पर उकेरी गई तस्वीरों को जुबानी भी जान सकते हैं। जयपुर में प्रदेश का पहला संविधान स्तर बनकर तैयार हो चुका है। संविधान स्तंभ क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के पहले संविधान स्तंभ ने लिया आकार। 19 जून को उद्घाटन का इंतजार। 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से हुआ तैयार संविधान बनने की पूरी कहानी। मार्बल पर उकेरी गई तस्वीरों की जुबानी। लोकसभा चुनाव के बीच संविधान को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर संविधान की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। ज्यादातर लोग संविधान के प्रावधान को नहीं जानते समझते, मगर अब युवा पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य का पहला संविधान स्तंभ बनकर तैयार हो गया है। तस्वीरों में नजर आ रहा यह स्तंभ राजस्थान का पहला संविधान स्तंभ है। 75 फीट ऊंचे मार्बल के स्तंभ पर 1946 से 1950 तक के संविधान बनने की पूरी कहानी देख सकते हैं आप। खास बात यह है कि संविधान की मूल प्रति में जिस शैली में चित्रों के माध्यम से हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और मूल सिद्धांतों को समझाया गया है, वैसे ही चित्र इस स्तंभ में मार्बल पर उकेरे गए हैं।
आजकल जो कोर्सेज में जो जहाँ पर होता है सामान्यतः उन्हीं बच्चों को संविधान के बारे में पता होता है। हम सभी भारतवासियों को हमारे संविधान पर, हमारे देश के प्रतीकों पर, हमारे देश की जो विभिन्न ऐसी प्रतीक हैं उन पर उन्हें गर्व होना चाहिए। इसलिए ये संविधान स्तंभ उन्हें ये अवसर देगा कि वे इस संबंध में नवीनतम जानकारियां वहां पर प्राप्त कर सकें। संविधान स्तंभ के आसपास पौधारोपण करके संविधान पार्क भी बनाया जा रहा है। पार्क में स्तंभ के आसपास आकर्षक फव्वारे भी लगाए गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने बताया कि 19 जून को राज्यपाल कलराज मिश्र इसका उद्घाटन करने जा रही है। 19 जून को ही राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस में नया बनकर तैयार हुआ संविधान स्तंभ का भी उद्घाटन किया जाएगा उनके द्वारा, और उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो संविधान को बन करके तैयार होना, संविधान के संबंध में विभिन्न जो जानकारियां हैं उसको वो प्राप्त कर सकेंगे। राज्यपाल के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी 10 विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों को सहज सरल तरीके से संविधान के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। कई तरह की बातें चुनावी समय में भी होती है कि संविधान खतरे में है या नहीं है, तमाम तरह के दावे जो हैं वो किए जाते हैं। उस बीच में इस संविधान पार्क का उद्घाटन होना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर इस संविधान पार्क को तैयार किया गया है, बताया जा रहा है कि राज्यपाल कलराज मिश्र की ये सोच थी कि जो संविधान पार्क है वो बनाया जाए, संविधान का जो स्तंभ है वो बनाया जाए ताकि उसकी जानकारी जो है वो छात्रों को मिल सके, आम लोगों को मिल सके। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की तर्ज पर राजस्थान की अन्य यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस तरह के संविधान और संविधान स्तंभ की स्थापना जो है वो भी की जाना प्रस्तावित है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और वक्त है छोटे से ब्रेक का, आगे देखिए प्राइम डिबेट। नमस्कार।